हेलो फ्रेंड, जब भी आपसे किसी बस या ट्रक के बारे में पूछा जाता है तो आपके दिमाग में ये बस या ट्रक आते हैं, क्योंकि टाटा इंडिया के ट्रक मार्केट में 53% मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है। टाटा ने इंडिया में इतने सारे बस और ट्रक बेच दिए हैं कि आप जहाँ भी देखो टाटा के ही बस या ट्रक आपको नजर आएंगे। इसीलिए आप जब भी टाटा के बस या ट्रक के बारे में बात होती है तो आपके दिमाग में बस इसी की इमेज आती है। ताकि इस सक्सेस को तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि टाटा के पर्सनल व्हीकल इंडिया और पड़ोसी देशों तक ही सीमित है। वहीं टाटा के कमर्शियल व्हीकल स्पेशली ट्रक में टाटा मोटर ग्लोबल कंपनी है, लगभग 150 देशों तक फैली हुई है। वहीं सेकंड सबसे ज्यादा ट्रक सेल करने वाली कंपनी भी है। इंडिया में तो टाटा सबसे बड़ी कंपनी है, क्योंकि टाटा ने सबसे पहले ही अपनी ट्रक 1954 में ही लॉन्च कर दी थी, इसीलिए पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो टाटा से पहले ही बहुत सारी कंपनी जैसे वोल्वो, बिल्ट, कैनिया जैसी कंपनी ऑलरेडी मार्केट कैप्चर करके बैठी हुई थी, लेकिन टाटा ने सभी ग्लोबल कंपनी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े और आज दुनिया का सेकंड सबसे ज्यादा ट्रक सेल करने वाली कंपनी बनी हुई है। और ये सब हो सका एक्विजिशन एंड ज्वाइंट वेंचर के कारण। बहुत सारे देश ऐसे भी है जहां टाटा ट्रक मार्केट में नंबर वन पे है, जैसे इंडिया तो है, वही अफ्रीका, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया भी है। हम बात करेंगे आज के टाटा ने ये सब अचीव कैसे किया, आइए जानते हैं। टाटा मोटर की शुरुआत 1945 में ही हो गई थी, लेकिन उस समय ये कोई ट्रक बनाने वाली कंपनी नहीं थी, ये तो लोकोमोटिव इंजन बनाने वाली कंपनी थी। उस टाइम कंपनी का नाम टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड थी। टाटा का पहला ट्रक टाटा ने मर्सिडीज वैन के साथ मिलकर बनाया था और ये कंपनी कुछ ही दिनों में अलग भी हो गई। फिर ट्रक का नाम बदल के टाटा ट्रक रख दिया गया। इस टाइम टाटा ने बहुत जल्दी जल्दी ट्रक बनाने स्टार्ट कर दिए। 1961 में ही दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर दिया और सबसे पहले अपनी ट्रक श्रीलंका भेजा, फिर 1964 में अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह टाटा ने नए नए बस और ट्रक बनाया, लेकिन एक ऐसा भी ट्रक टाटा ने बनाया जो आते ही मार्केट में धूम मचा दिया और टाटा के सेल को कमाल का बूस्ट मिला। और उस ट्रक का नाम टाटा 407 है, जो 1986 में लॉन्च हुआ था। इस ट्रक ने कुछ ही दिनों में 75% मार्केट कैप्चर कर लिया। टोटल 15 देशों में इसे सेल किया गया। टाटा इंडिया में तो अच्छा परफॉर्म कर ही रही थी, लेकिन वक्त के साथ उन्हें भी टेक्निकल एडवांसमेंट की जरूरत थी। कोई भी कंपनी अपने ग्लोबल और टेक्निकल एडवांस प्रोडक्ट दो ही तरीके से बना सकती है। पहला, उनके पास रिसोर्सेज और एक्सपीरियंस दोनों हो तो R&D पे इन्वेस्टमेंट करके ऐसा कर सकती है। दूसरा, ऐसे किसी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर सकती है जिसकी इस काम में एक्सपर्टीज हो। टाटा ने अपने कंपनी को एडवांस्ड बनाने के लिए दोनों ही तरीके आजमाए। पहले हम टाटा मोटर के बस के बारे में बात करेंगे। टाटा मोटर 2008 से 2009 तक दुनिया की सेकेंड सबसे बड़ी बस बनाने वाली कंपनी बनी रही। इसका क्रेडिट टाटा हिस्पैनो को दिया जाता है। पहले के समय टाटा बस की चेचिस ही बनाया करता था और बस ओनर उसकी बॉडी अपने हिसाब से मार्केट से बनवा लेते थे, पर टाटा चाहता था कि वो भी फुल्ली बॉडी बस बना सके। इसीलिए टाटा ने स्पेन के फुल्ली बस बनाने वाली कंपनी स्पेनो का 21% स्टेक एक्वायर्ड कर लिया। स्पेनो भी कोई छोटी कंपनी नहीं थी, वो भी यूरोप की लार्जेस्ट कोच बनाने वाली कंपनी थी। इसी तरह टाटा ने 2009 में पैरो को पूरी तरह से एक्वायर कर लिया। उसकी बसें अब गोवा में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। वहीं ब्राजील की कंपनी मार्को पोलो के साथ ज्वाइंट वेंचर भी किया हुआ था। इस कंपनी का टाटा ने 51% मार्केट शेयर एक्वायर किया हुआ था। इस ज्वाइंट वेंचर में कई सारी बस लॉन्च की गई। सबसे पहला प्रोडक्ट था मार्को पोलो की लो फ्लोर बस। हमें से ज़्यादातर लोगों ने इस बस को देख रखा होगा। टाटा ने इंडिया में 2021 तक मार्को पोलो को भी पूरी तरह से एक्वायर कर लिया। इसी तरह टाटा आज कॉमर्शियल व्हीकल मार्केट में इतने ऊंचे मकाम पे पहुंच गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।